हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ट्री हाउस में। और सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं अभी 10 और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे रात यहाँ पे, क्योंकि बारिश, ओले, बहुत कुछ, मतलब इतना तूफान। ट्री हाउस भी ऐसे ऐसे हो रहा था, मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, बट अमेजिंग, बहुत मज़ा आया सीरियसली। और अभी बस अभी नाश्ता मैंने ऑर्डर कर दिया, परांठे और चाय। अभी देखते हैं, बाहर निकल के मैं आपको व्यू दिखाती हूँ उसका। टन टन, ये रहा कुछ यहाँ से व्यू ट्री हाउस का, बहुत सुंदर। सारे के सारे जो हैं, ये एप्पल ट्री है नीचे, और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है। और जब स्नोफॉल होता होगा तो आई थिंक सो ये सारे के सारे पहाड़ बर्फ से ढके होंगे। आई गेस क्या होता ही पड़ता ही होगा यहाँ पे स्नोफॉल। और इतनी ठंड, इतनी ठंड, और इतनी अमेजिंग जगह है ना यार, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर आना। हाँ, ट्रैक है थोड़ा बहुत, गाड़ी हमारी बहुत नीचे लगी हुई है रोड पे, तो कम से कम भी हम लोग ये 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आए हैं, मतलब चढ़ाई है, क्योंकि हमारे वाला जो कॉटेज था, ये ट्री हाउस, ये सड़क के ऊपर वाली साइड था, तो नीचे वाली साइड भी बने हुए हैं लोगों के, मतलब जो भी है, वट एवर, मतलब पार्किंग नहीं है, रोड पे गाड़ी लगेगी और ट्रैक पे ही आपको ट्रैक करके आपको आना पड़ेगा। तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल जो भी है। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ की जो स्पेशल है। हाँ, रात को जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मुझे उन्होंने बोला था भैया ने कि यहाँ के देवता जी की, मतलब यहाँ पे हमारे देवता जी विराजमान है, तो मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि रात को मैं कैप्चर नहीं कर पाई कुछ भी, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे चलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं चलने वाले बंदों ऐसे नहीं हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। तो ये रहा कुछ इस तरह से व्यू। मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस अभी चेकआउट करने लगी हूँ यहाँ से, तो मैंने सोचा एक दो रील्स बना लूँ यहाँ पे सुंदर सुंदर सी। और बस अभी हो चुका है, सबकी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सब निकलने लगे यहाँ से। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं एक मिनट आपको जाते हुए एक बार फिर से। ये मैं हूँ, ये जीवी की हसीन बात यहाँ है। बादल जी आ रहे हैं और ये ऊपर उड़ रहे हैं, और ये सारे एप्पल ट्री है, और ये बहुत ही खूबसूरत चिड़िया का घोंसला है, देख सकते हो। ये जो मैं ट्री हाउस है ना, ये वाला था हमारा, है मतलब, तो चेकआउट कर दिया, लेकिन जो ये बनाया हुआ ना, सिर्फ इस पेड़ पे और सिर्फ इस पेड़ की स्पोर है आई थिंक, बस और कुछ भी नहीं है, इसी पेड़ पे टिकाया हुआ है ये, और यही पेड़ अंदर 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 जा रहा है, ये देख रहे हो आप, इसी पेड़ की टहनी है जो अंदर अंदर है, और यहीं से ही बना दिया भाई इन्होंने। वाईफाई, टीवी, केबल कनेक्शन, सब कुछ अंदर है, इसके अंदर ही है सब कुछ, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अच्छा बनाया हुआ भाई, बहुत सुंदर। हमने कब से चेकआउट करा हुआ यहाँ से, और इतनी सारी रील्स बनाई जा रही है, मन ही नहीं कर रहा यार यहाँ से जाने का सीरियसली। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत है। सामान देना कैसे गिर रखा है हमने यहाँ पे, आधा इधर पड़ा, आधा उधर पड़ा है, घेरा हुआ सारा सामान हमने। ये घर है किसी का, और ये इतना सुंदर लग रहा था ना रात को, लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही थी इसमें। अभी तो निकल गए हैं यहाँ से, और मन नहीं कर रहा है यार सच में जाने का, मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, बहुत ही प्यारी जगह। और ये देख लो अभी एप्पल ट्रीज है ये, और मैं कोशिश करूँगी दोबारा यहाँ पे आने की, बहुत जल्दी आऊँगी मैं यहाँ पे, और 1-2 दिन का स्टे करके जाऊँगी, ताकि मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से इंजॉय करूँ। इंजॉय मैंने किया नो डाउट, लेकिन और भी अच्छे से करूँगी। सो आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो शॉर्ट टाइम के लिए मैं यहाँ पे आई थी, बट देखते हैं, बहुत जल्दी प्लान बनाऊँगी मैं अभी यहाँ पे आने का। और ये जो किसी का घर है ना, कसम से रात को इतना सुंदर लग रहा था ना, अल्टीमेट, माई गॉड, बहुत सुंदर घर लग रहा था मुझे ये, ये देखिए। और ये है सारे आलू की फसल, एप्पल ट्री, आगे पालक गोभी कुछ है शायद से, वो भी इतना मुझे एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं है।
बट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एप्पल हो रहे हैं, लेकिन ये देखो छोटे छोटे से भी सारे ट्री हाउस है। मतलब इन्होंने ट्रीज के बहुत बड़ा कोई पेड़ है, मतलब बड़े बड़े पेड़ों के बीच में इनको कवर किया हुआ है और बहुत सुंदर बनाया हुआ है। बट यार बाकी तो सब ठीक, ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना खाने का जो सिस्टम है वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। क्योंकि अभी अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो 1 घंटे के बाद ऑर्डर आता है यहाँ पे, 1-1.5 घंटे के बाद। तो प्लीज़ अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो स्नैक्स वनैक्स चटर पुटर अपने साथ लेके आना। इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था तो मैं थोड़ा सा परेशान हुई हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, जो खाने के शौकीन हैं वो अपने साथ चटर पुटर चटर पुटर लेके आए। टैक वाले बंदे नहीं है भाई साहब हम लोग, और मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ चुकी है। गाड़ी में मिलती हूँ बस सीधी आप लोगों को। यहाँ से कुछ ये है व्यू, बहुत सुंदर। गाँव है मतलब ये पूरा लकड़ी, और यहाँ पे जितने भी घर है वो सारे लकड़ी के बने हुए हैं ऐसे करके। जो गाँव के देवता होते हैं उनका, ये मुझे भैया ने रात को बताया था। ये का पूरा गांव है, बहुत सुंदर सा घर है किसी का, और ये है जय हो, बहुत सुंदर। और जो ये वाला घर है, यहाँ पे इनके देवता विराजमान है, मतलब तो उनका स्थान है इस यहाँ इस जगह पे। ये देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे। ये वाली जो ड्रेस है इसको पहन के यहाँ के लोग डांस करते हैं, कोई इनका फेस्टिवल होता है तब। छोटी रोड है, इतनी प्यारी जगह है ना ये सच में ही। और इतना छोटा रोड है कि गाड़ी अगर सामने से आ जाए तो हम पास भी नहीं दे सकते हैं। और बिल्कुल टॉप पे थे हम लोग इस टाइम पे, तो अभी बस नीचे जा रहे हैं और कुछ खा ले, मतलब लंच करेंगे अभी, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे इनका। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर जो खाने पीने के शौकीन है ना वो नीचे से अपनी चटर पटर लेके जाए ऊपर, क्योंकि एक तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा लेट है और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर ना खाने पीने का प्रॉपर सामान नहीं मिल पाता शायद से, तो करके मतलब जिस चीज़ को हमने सोचा होता है कि हमें ये खाना है वो नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। और अब दिन में थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ी सी ठंड कम है रात के अकॉर्डिंग। कॉपीराइट आ जाएगा। ये देख के इतनी खुशी हुई ना मुझे, बड़े दिनों बाद देखा मैंने ये पाउच, पहले बड़े यूज करते होते थे इनको। खुशी महसूस हुई कि मेरे एंट्रेंस पे इन लोगों ने लगा दिया बोर्ड कि आपके आगमन पर धन्यवाद, स्वागत करते हैं हम आपका। मतलब वाह इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे और मतलब मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा।
असम मौसम हो रखा है पूरा इधर, असम मौसम। सो अभी निकल चुके हैं हम यहाँ से, मतलब ये ऑट पहुँचने वाले हैं इस टाइम पे हम लोग, और बहुत ही अच्छा अभी हो चुका है, मतलब इतनी ठंड हो चुकी है, मैंने फिर से जैकेट पहन ली है यहाँ पे, और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पे, नदी साथ साथ में चल रही है हमारे बिल्कुल साथ साथ में, और मुझे थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा है जैसे मेरा मतलब मुझे फीवर भी हो गया है, तो मैं देखती हूँ अभी आगे चल के पैरासीटामोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि सडनली जब वेदर चेंज होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तनातन हो रही है भाई बारिश। गाड़ी पे कसम से यार, मतलब मैं उधर वो देख रही थी, वो इतना पानी आ रहा था नीचे और उसमें से ही पत्थर निकल निकल के आ रहा सीधा गाड़ी में गिरा हमारी, पता नहीं कांच का, देखते हैं अभी आगे रुक के लगा कहाँ है पत्थर, बड़ी जोर से गिरे, दो पत्थर गिरे थे यार। मुझे दवाई लेनी पड़ी है और गला ख़राब हो रहा बहुत ज़्यादा, सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था तो मैंने यहाँ मेडिकल स्टोर से भी दवाई ले ली है, नहीं खराश पड़ रही है बहुत ज़्यादा गले में। सो मैंने एक एक डोज अभी खा ली है और एक एक खा लिया, मुझे कल सुबह या रात को खा लूँगी एक बार सोने से पहले। सच बोलूँ तो मुझे पता नहीं था कि कीर्तपुर वाला मतलब चल पड़ा ये फोर लेन, वो भी मुझे अभी श्योर नहीं है, क्योंकि जाते जब मैं वहाँ से आ रही थी तो उन्होंने ना बंद करा हुआ था रोड को, लाइट चलाना एक मिनट यार, तो जो रोड था ना वो बंद करा हुआ था, तो हमने सोचा कि शायद से नहीं ओपन होगा ये, तो हम लोग बाया बिलासपुर होकर के टक्करे मारते खारते आ गए यहाँ पे, और जब हम अभी वापस आ रहे थे तो जब हमने सुंदरनगर क्रॉस करके ये जहाँ हम यहाँ पहुँचे तो इस रोड पे जब हमने देखा कि गाड़ियाँ आ जा रही है तो हमने किसी से पूछा कि ये चल गया रोड, कहते हाँ जी चल गया है, तो अभी मुझे नहीं पता कि ये कहाँ मिलेगा जा करके, ये चीज़ मैं अभी देखूँगी फिर मैं बताऊँगी कि जो कीर्तपुर फोर लेन का काम जो कह रहे हैं लोग सच में चला है कि नहीं चला है। सो देखते हैं अभी क्या बनता है आगे जा करके, क्या पता कि वापस ही ना पड़ जाए यहाँ से। मज़ा आ रहा एडवेंचर का, सॉलिड एडवेंचर, ऐसा तो मैंने लेह लद्दाख का रास्ता भी नहीं देखा था जैसे ये है। एक्चुअली इस पुल का काम अभी हुआ नहीं है तो ये गाड़ियाँ थोड़ी ऐसे करके निकाल रहे हैं,
यहाँ पे जाम लगा हुआ है बहुत ज्यादा। ये वाला पुल है, जब ये वाला फ्लाईओवर बन जाएगा फिर सीधा हो जाएगा रास्ता, तो अभी ये बना नहीं है तो इस करके जाम लगा हुआ। और ये फ्लाईओवर के नीचे से निकाल रहे हैं गाड़ियों को, तो जाम लगा हुआ है। रास्ते में भी दवाई ली थी लेकिन फर्क नहीं पड़ा मुझे कुछ भी, मतलब मेरा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है अभी इस टाइम पे। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।